ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। दोस्तों भाइयों मेरी बहनों, अमूमन हम जुम्मे की नमाज के ऊपर बहुत ही बड़ी गलती करते हैं। यह अक्सर भाइयों को इल्म नहीं होता। जुम्मे की चार पहली सुनतें और चार बाद वाली सुनतें कि नियत कैसे करें, जुम्मे की नियत करें या जुहर की नियत करें। अक्सर मेरे भाई पहली चार कातें जो पढ़ते हैं वो जुहर की पढ़ते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना। आपने जुम्मे वाले दिन पहली चार रकातें आपने जुम्मे की नियत करनी है। चार रकात सुन्नत मुअक्कदा वक्त जुम्मा मुंह तरफ खाने काबे दो अल्लाहु अकबर, और उसके बाद दो फर्ज पढ़ने के बाद फिर जो चार सुन्नत हैं उनकी भी आप लोगों ने ऐसी ही नियत करनी है। चार रकात नमाज सुन्नत मुअक्कदा वक्त जुम्मा मुंह तरफ खाने काबे दो अल्लाहु अकबर, और उसके बाद जो दो सुन्नत हैं उनकी भी नियत ऐसे करनी है। दोस्तों भाइयों मेरी बहनों, अक्सर भाई बहुत ही बड़ी गलती करते हैं, जुम्मे की नमाज के ऊपर जुहर की नमाज की नियत करते हैं। ऐसे नहीं करना। अलबत्ता जुम्मे की नमाज रह जाए, जैसे मुसाफिर है और सफ़र पर जा रहा है, जुम्मा नहीं मिला, तो वो जुहर की नमाज अदा करेगा, जुहर की नमाज पढ़ेगा। हाँ, अगर आप जुम्मा पढ़ने गए हो, जुम्मा वहाँ हो गया है, वक्त बहुत कम था और आसपास कहीं और उम्मीद नहीं है जुम्मे मिलने की, फिर आपने जुहर की नमाज़ पढ़नी है। ऐसे कोई इंसान बीमार है, लाचार है, जुम्मे को पर नहीं जा सकता, तब भी वो जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ेगा, जुहर की नमाज पढ़ेगा।